आज के हमारे आखिरी फिल्मी चक्कर में आप सबका स्वागत है और आखिरी फिल्मी चक्कर में आज बात करेंगे साल 2018 के लव शव और धोखों के बारे में। जी हाँ, बहुत से ब्रेकअप हुए, बहुत से लव अफेयर स्टार्ट हुए, तो साल 2018 ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं बॉलीवुड स्टार्स के लिए लव और धोखे वाला भी रहा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में हमने किसे दी है टॉप रैंकिंग। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि नेहा कक्कड़ के ब्रेकअप ने तो हमें बहुत ही हैरान कर दिया। उधर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज खबर जो लव की थी वो थी अर्जुन और मलाइका का लव अफेयर होना। तो चलिए बिना देर किए डालते हैं इस पर एक नज़र। बॉलीवुड की बबली गर्ल और प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ को भी इस साल ब्रेकअप के दर्द से गुजरना पड़ा। नेहा और हिमांश ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था और दोनों को बेस्ट कपल भी कहा जाता था, लेकिन अब इन दोनों के रास्ते भी अलग हो गए हैं। नेहा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने ब्रेकअप का दर्द भी शेयर किया था। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल और मेहर जयसिया भी जुदाई के दर्द से गुजरे हैं। दोनों ने शादी के 20 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। बॉलीवुड गलियारों में चल रही खबरों की माने तो अर्जुन और सुजैन की बढ़ती नजदीकियों की वजह से अर्जुन और मेहर के बीच ये दूरियां बनी हैं। हालांकि अभी तक अर्जुन और मेहर के बीच तलाक फाइनल नहीं हुआ है। एक्ट्रेस एरी एवरम और क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के रोमांस की खबरों ने भी इस साल खूबसूरती बटोरी, लेकिन अब इन दोनों के रास्ते भी अलग हो गए हैं। दोनों को अक्सर कई बार साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते भी देखा गया और एयरपोर्ट पर कई बार एली हार्दिक को ड्रॉप करने भी पहुंची। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं की। शादीशुदा होने के बावजूद एक्टर पुलकित सम्राट बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को डेट करने लगे थे। दोनों को अक्सर कई बार स्पॉट किया गया, लेकिन इस साल दोनों का रिश्ता भी टूट गया। बता दें, पुलकित ने सलमान खान की राखी बहन श्वेता अरोरिया के साथ 2014 में शादी की थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और तलाक हो गया। बॉलीवुड के हॉट कपल्स में से एक थे सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन, और इन दोनों के भी ब्रेकअप की खबरें इन दिनों फिल्मी करियरों में खूब छाई हुई थी। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के साथ कई साल तक रिलेशन में रहने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने जैसे ही अपना फिल्मी करियर शुरू किया तो उसके बाद उनके लिंकअप्स की खबरें आनी शुरू हो गई। और कृति सनन के साथ भी उनका अफेयर काफी टाइम चला, लेकिन कृति सनन के साथ अब फिलहाल वो अफेयर में नहीं है। वाह लाइफ हो तो ऐसी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले शान खट्टर ने बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। हाल ही में आई उनकी फिल्म धड़क में वो जानवी कपूर के साथ नजर आए और उनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई, लेकिन फिल्म के बाद से ही शान और जानवी के बीच अफेयर की खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इन दोनों की तरफ से इसे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती कहा जाता है और फिल्मी गलियारों से इनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने की खबर सामने आती रहती है। इस साल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अफेयर को हम कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, शुरुआत से ही लेकर अब तक इन दोनों के अफेयर की खबरें खूब चर्चित रही। फिर चाहे वो ब्रह्मास्त्र के सेट्स पर एक दूसरे के साथ रहना हो या फिर एक दूसरे की फैमिली के साथ मिलना जुलना हो, आलिया और रणबीर अक्सर अब आजकल एक साथ ही स्पॉट होते हैं। यहां तक कि इनके न्यू ईयर को एक साथ सेलिब्रेट करने की भी खबरें सामने आई हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान का कपल भी इस साल खूब चर्चा में रहा है। जी हाँ, मलाइका के अरबाज से अलग होने के बाद अर्जुन और मलाइका के खुल्लम खुला सामने आना सबके लिए हैरानी की बात हो गई थी। हालांकि अर्जुन और मलाइका पहले तो एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर चलते रहे, लेकिन अब हाल ही में रितेश सिद्धवानी की क्रिसमस पार्टी पर मलाइका और अर्जुन ने जब एक साथ एंट्री और एग्जिट ली तो सबके मुंह पर ताले लग गए और सबको इसका जवाब मिल गया।
उधर फरहान अख्तर, शिवानी डांडेकर भी जो हैं अब हाथों में हाथ डाले हर जगह स्पॉट हो ही जाते हैं, फिर चाहे वो दीपिका रणवीर की शादी की पार्टी हो या फिर वेकेशन को एंजॉय करना। फरहान और शिवानी ने भी अपने रिलेशन को किया 2018 में सबके सामने पब्लिकली अनाउंस। श्रद्धा कपूर की भी आजकल डेटिंग की खबरें खूब चल रही हैं। फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ उनके रिलेशनशिप होने की खबर खूब वायरल हो रही है। हालांकि इससे पहले फरहान अख्तर के साथ भी श्रद्धा कपूर का नाम काफी बार जोड़ा गया है। तो ऐसे में साल 2018 के कई लव हुए, कई ब्रेकअप हुए और कई डिवोर्सेस हुए। तो लव, शव और धोखा में आज की हमारी 2018 की टॉप 10 खबरें आपके लिए एक बार फिर से वो सभी सुर्खियों को रिफ्रेश कर गई जो कि 2018 में कई ज्यादा बार उछाली गई। तो 2018 के हमारे ईयर एंडर्स की रिपोर्ट का आज होता है दी एंड। अगले साल ईयर एंडर्स के साथ फिर लौटेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे एक बार फिर से बीते साल की सभी अपडेट्स। एंटरटेनमेंट डेस्क से हरलीन कौर, पंजाब केसरी टीवी।